नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों टाई गुलिस्वी के विषय में बहुत सारे सवाल आते हैं और सबकी इच्छा है टाई गुलिस्वी जल्दी आ जाए, पर जब आप अधीरता के साथ मुझसे सवाल करते हैं और उस अधीरता में आप भूल जाते हैं मान मर्यादा, कुछ भी बोल देते हैं, फेंकू राम कह देते हैं, झूठ बोलता है, बकवास करता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मुझे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सच के पास हूँ या सच मेरे साथ है, क्योंकि मैं आपको कुछ छुपाता थोड़ी हूँ। मैं तो जो बातें मुझे पता चलती हैं तो वही बातें आपको बताता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बातें नहीं बताता। अब ऐसे में बहुत समय हो गया, काफी समय से मैं भी आर्टिकल पढ़ता था, मेडिकल जर्नल पढ़ता था, उनमें आता था कि ये दवाई फला समय पर आने वाली है, इसके कुछ ह्यूमन ट्रायल 2023 के शुरुआत में होने वाले थे या कुछ 2022 के एंड में भी होने वाले थे, कुछ आर्टिकल में ऐसा भी समय दिया हुआ था। पर दोस्तों पहली बात तो आर्टिस्ट का समय इंसान के हाथ में नहीं होता। परिस्थितियां आप देख रहे हो, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा हो, समय हो और आप टेंशन फ्री हो, तब आप अपना काम बहुत सही तरीके से कर पाएंगे। इनमें से किसी चीज की कमी हो, पैसे की कमी हो, टेंशन है भाई, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बहुत भयंकर चल रहा है, इससे बहुत सारे गरीब देशों की हालत बुरी है, ये हमारे देश की खुशकिस्मती है, ज्यादा हमको परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही जितनी हमारे कुछ पड़ोसी देश झेल रहे हैं। पाकिस्तान का आप हाल देख रहे हो, ये सब ये जो युद्ध हुआ ना उसके कारण पेट्रोल के रेट बढ़े और पेट्रोल इफेक्ट डालता है, और भी फिर खाने की समस्या, यूक्रेन से अनाज आता था वो आना बंद हो गया तो पाकिस्तान को समस्या होने दी। ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कंट्री का ये हाल है। तो ये युद्ध बहुत देशों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़े दे रहा है, ऐसे में ये दवा का लेट होना तो लाजमी है। पर दोस्तों इसके लेट होने से जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोगों की अधीरता बढ़ती जा रही है, लोग मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं, तो उसमें मेरे अंदर भी ये बात घर कर गई थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये झूठ बोल रहे हो, झूठ का भरम फैला रहे हो। अब आप कहोगे ऐसे कैसे आप सोच सकते हो, आपने तो ये खबर दी थी तो आपने क्या झूठ दी। मैंने झूठ खबर नहीं दी, मैंने ये समाचार मिला, मेडिकल जर्नल में इसके बारे में पढ़ा, हजारों लाखों लेख पढ़े, तो उसके बाद मुझे लगा कि दवाई है और ये इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, और जो जो उन लेख से उन जो आर्टिकल से जो जानकारी मिली वही मैं आपसे शेयर करता रहा और उसी के आधार पर मैं आपके सवालों के जवाब देता रहा। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, बहुत पहले एक तानाशाह हुए हिटलर, अभी आप मेरी बात समझना, पहले मेरी बात पूरी हो जाने देना तब आप शायद इसका मतलब समझ पाओगे। तो हिटलर की सेना बहुत तेज आगे बढ़ रही थी, उसका तोपखाना बड़ा जबरदस्त था, फाइटर प्लेन वगैरह जो भी थे उसके पास बहुत जबरदस्त थे और उनके अंदर उत्साह भी जबरदस्त था, क्योंकि जो आदमी अंदर से स्ट्रांग रहेगा ना उसके मन में एक बात बैठ जाएगी मैं तो इससे जीत जाऊंगा, तो वो जीत ही जाता है। जब उसके मन में बैठ जाए कि हार जाऊंगा तो फिर वो हार ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब यह बात अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह इन कंट्रियों ने सोची कि इनका मनोबल कैसे तोड़ा जाए। मनोबल तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं, गुब्बारे बनाते हैं, गुब्बारे की शेप होती है जैसे टैंक हो गए, फाइटर प्लेन हो गए या और भी जो मतलब लड़ाई के आइटम होते हैं, ऐसे बनाकर पूरी ट्रेन के ट्रेन भरकर चलाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि ये सब टैंक वगैरह लड़ाई के लिए जा रहे हैं, ये जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे, और ऐसे ही इन्होंने और जगह भी किया, इससे ये एक हवा होगी। और जब हिटलर की सेना को पता चला कि इतने सारे टैंक उसके खिलाफ आ रहे हैं, क्योंकि वो दूर से देखने में ना जो भले गुब्बारे थे पर दूर से देखने में वो बिल्कुल नेचुरल लगते थे कि ये तो रियल का टैंक है, अब उनका मनोबल टूटना शुरू हो गया और उससे उनके जो सेना थी उसमें भगदड़ हुई। मनोबल टूटने से ही तो आदमी मतलब मनोबल से तो आदमी को युद्ध जीतता है, मनोबल उनका टूट गया और वो हार गए, हिटलर की बहुत तगड़ी हार हुई। उसके बाद यही फंडा इन पश्चिमी मीडिया वालों ने, जब कोरोना आया ना, कोरोना की वैक्सीन आई, इंडिया ने वैक्सीन बनाई और अप्रूवल के लिए भेजी,
WHO में इंडिया ने अपनी वैक्सीन भेजी, इन्होंने इंडिया की वैक्सीन पर 100 बातें करके उसे रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उनके उन्हें अपने अपने आप को शो करना था कि हम हाई हैं, हम जबरदस्त हैं, बाकी और बेकार हैं। चाइना ने अपनी वैक्सीन भेजी, तड़ाक से अप्रूवल हो गया उसका। अमेरिका ने वैक्सीन भेजी, उसका अप्रूवल हो गया। बाद में रियलिटी जब हुई ना कि अमेरिका में लाखों लोग मरे, चाइना में लाखों लोग मरे, तो पता चला कि ये झूठे प्रोपेगेंडा में माहिर हैं और उसी के आधार पे ये कार्य करते हैं। अब उसके बाद की बात करें, यूक्रेन की बात करें, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा तो इन्होंने कहा कि पुतिन को ना जवान रहने के लिए एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, अगर वो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो पुतिन मतलब चुड़चुड़े हो जाएंगे, उनके झुर्रियां पड़ जाएंगे, जल्दी ही मर जाएंगे, मतलब 2-4 महीने से ज्यादा जिएंगे नहीं। और वो जो इंजेक्शन बनता था यूरोप में बनता था, यूरोप ने सारे संबंध तोड़ दिए थे, उन पर बैन लगा दिया था रशिया पे। खबर झूठी निकली, पुतिन आज भी वैसे के वैसे ही है। उसके बाद इन्होंने खबर उड़ाई कि पुतिन मर गए, पुतिन जिंदा है। अभी भी बहुत सारे प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। अभी ये हिंडनबर्ग का था, हिंडनबर्ग में भी ये साबित हो गया कि ये झूठी खबर थी, बल्कि जिन बैंकों ने पैसा दिया था इसे हिंडनबर्ग को, या हिंडनबर्ग के कहने से जिस बैंक ने पैसा दिया था और शेयर मार्केट को डुबाने का काम किया था, वो बैंक तो तबाह हो गया। अडानी जीत गया, अडानी फिर वापस अपने उसी हालत में पहुंचने वाला है, मतलब जिस हाई को छूकर शेयर मार्केट में उसके जो जितने हाई थे ना, वो 1100 तक नीचे गए, उसके बाद वो 2500 के लगभग रिकवरी तक आ गए, अब 3300 भी कभी रिकवरी पहुंच जाए तो अडानी को तो कुछ नहीं हुआ। पर इससे एक बात साबित हुई कि पश्चिमी मीडिया वाले प्रोपोगेंडा बहुत चलाते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ और भ्रम का जाल फैलाते हैं। यही सब बातें देखकर मेरे मन में ये डर बैठ रहा था कि मैंने भले ये आर्टिकल पढ़कर, क्योंकि सारे आर्टिकल विदेशी हैं, इंडिया में तो इसका खोज हुई नहीं, अब विदेशी कौन है, इंग्लैंड वगैरह ये सब है, और इंग्लैंड और अमेरिका तो झूठों के बादशाह माने जाते हैं। अब आप कोई जुगाड़ करें ना इंडिया में, उसे हम जुगाड़ कह, जुगाड़ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप आसानी से समझ जाओगे, वो एक टेक्नोलॉजी है, तो उसे ये धुतकारेंगे, कहेंगे तो जुगाड़ है। और हम भी फिर उनकी बात आते हैं, वो पहले से ऐसी मोनोपोली चला कर रखते हैं, अपने प्रोपोगंडा ऐसा फैला कर रखते हैं, जैसे बीबीसी वाला था ना, बीबीसी लंदन वाला जो समय अभी हंगामा हुआ था, तो बीबीसी वाले ऐसे ही बहुत सारे जो इनके प्रोपोगंडा के औजार हैं, तो वो हमारे दिलो दिमाग में ऐसे छाए रहते हैं। हमारे जो टूथपेस्ट यूज होते थे ना, जो टूथ पाउडर वगैरह होते थे, तो वो सब तो बंद हो गए, सारे विदेशी ब्रांड चल रहे हैं, सी प्रोपेगेंडा। क्या हमारे दांत पहले ठीक नहीं होते थे? क्या हम पहले मंजन नहीं करते थे? हमारे दांत क्या पहले जैसे, पहले मोती जैसे नहीं होते थे? होते थे बिल्कुल, पर उनके एडवर्टाइज का तरीका या फिर एनजीओस वगैरह ऐसे ऐसे जो ऐसे लेख लिखते हैं कि इसमें तो ये पाया जाता है जिससे आप बीमार पड़ जाते हो, तो फिर हम सोचते हैं यार मैं तो यही ले लूं, विदेशी वाला जो ब्रांड है हम उसी लेते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाकर अपने माल को बेचते हैं। इन्होंने अपनी वैक्सीन को ऐसे दिखाया कि भाई पता नहीं क्या है, और वो साबित हुआ पानी की बूंद, मतलब रद्दी माल, बहुत कम उसका इफेक्ट होता था। ऐसे ही चाइना के तभी देते ना मरे, हम तो सब इतनी बड़ी जनसंख्या होते तब भी हमने कवर कर लिया। हम लोग भले पश्चिमी मीडिया द्वारा स्वीकारे ना जाए, हमारी खोज है जो इन्वेंशन है पश्चिमी मीडिया द्वारा स्वीकारी ना जाए, पर उसमें दम होता है, और ये आपने अपनी वैक्सीन को लगवाकर देख लिया। तो यही बात मेरे दिमाग में बार बार टकराती थी, और मैं सोचता था यार ये जो टाइगुलसी की दवा है कहीं ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि इंडिया में भी कुछ ना कुछ खोज तो चल रही होगी, तो वो उसे हतोत्साहित करने के लिए, देखो हमारे दिमाग में इतना कुछ है, इतना कुछ है, और तुम्हारे दिमाग में क्या है, तो आदमी का मनोबल टूटता है। वही बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हालांकि अब जो भारतीय है, इंडियन है, वो बहुत सजग हो गए हैं, बहुत सही तरीके से चल रहे हैं और बढ़िया नए नए खोजें लेके आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे मन में आस भी जगी है कि इंडियन कुछ ना कुछ तो करेंगे। पर अभी मैं इसके विषय में, जब टाइगुलसी के विषय में जब खबरें पढ़ रहा था,
तो मुझे कुछ पॉजिटिव सा लगा, तो मैंने फिर ये वीडियो बनाई कि मैं क्यों वीडियो बना नहीं रहा था और मेरे दिल में क्या शंका थी, टाइगोरिसी है कि नहीं है। पर अब मुझे यकीन सा होने लगा है कि ये दवा वास्तव में है, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे इसके विषय में पता चली है। तो मैं अभी वीडियो लंबी होगी, वीडियो की श्रृंखला में बनाने वाला हूँ, कई सारी वीडियो बनेगी, आराम से इत्मीनान से मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा, और बहुत सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए, बहुत सारे सवाल जो मैं यहाँ बैठ के ना सोचता रहता हूँ, कोई बढ़िया सा सवाल है उसका जवाब दूँ, पर मैं देख रहा हूँ कुछ रिपीट से ही सवाल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से खोज की जाए, और मैंने अलग तरीके से खोज की और मुझे बहुत सार्थक परिणाम मिले, जो अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसका जो मैंने खोज की किस तरीके से की, उसका लिंक भी आपको दूंगा, बहुत सिंपल सटीक है। आप कहोगे हाँ ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, पर मैंने कभी दिमाग में आइडिया आया नहीं, मैं तो सिर्फ आपके सवालों के आधार पर आगे बढ़ता था। जब मैंने कुछ अलग तरीका अपनाया तो मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले, उसके विषय में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते आपसे निवेदन है, कम से कम इस श्रृंखला की जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो मिस मत करना, हो सकता है एक दिन छोड़ कर एक वीडियो आए, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा। आज भी मुझे सोचा था कि सुबह वीडियो बनाऊंगा, अब ये मैं शाम के टाइम वीडियो बना रहा हूं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं बिजी जरूर रहता है, उसके अपने पर्सनल काम भी होते हैं। संडे है तो क्या हुआ, बहुत काम हम छोड़ के रखते हैं कि संडे को निपटा लेंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये वीडियो मत मिस करना, आपको टाइगोलॉजी के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, वो सवाल जो आपने पूछे नहीं और पूछने चाहिए थे वो सवाल भी मैं इन वीडियो में उठाने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहते हैं कि भाई जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।